आपके सामने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपकी 10 यूनिट्स आती हैं। तो 10 यूनिट्स का जो पहला आपका पेपर है, पेपर में आपके शिक्षण अभिक्षमता आएगा। तो शिक्षण अभिक्षमता के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला आपका टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता। अब शिक्षण अभिक्षमता पे बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षण जो है वो बिना शिक्षा के अधूरा है। अगर शिक्षा होगी तभी शिक्षण का कोई महत्व होगा। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी, वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना। अब शिक्षा शब्द का जो रूपांतर शब्द है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है आपकी वो हुई है लैटिन भाषा से। तो ये तो एजुकेशन की फील्ड में बहुत कॉमन सी बात हो गई है, लेकिन अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। शिक्षा का मानव जीवन में काफ़ी महत्व है। शिक्षा के बिना एक मानव जो है वो पशु के समान है। शिक्षा से ही मानव का सर्वांगीण विकास होता है। वो विकास चाहे मनुष्य का मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, या किसी अन्य तरीके का और विकास हो। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो थे वो थे एडम्स। एडम्स ने कहा है एडम्स के शब्दों में हम कहेंगे कि आखिर शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स जी ने कहा है कि शिक्षा जो है वो एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी दो लोगों के बीच होने वाली प्रोसेस। अब वो दो लोग कौन हैं? तो एडम्स जी के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, और द्विमुखी प्रक्रिया में जो पहला है वो है शिक्षक, और दूसरा जो है वो है छात्र। जो ये द्विमुखी प्रक्रिया है, एडम जी के शब्दों में जो ये द्विमुखी प्रक्रिया है, ये शिक्षक और छात्र के बीच होती है। अगर शिक्षक होगा तो छात्र पढ़ेगा, अगर छात्र होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा। एडम जी ने अपनी डेफिनेशन में यही समझाना चाहा है कि शिक्षा को हम द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। ये दो जो द्विमुखी हैं, जो दो मुख के समान हैं, तो वो दो मुख जो है वो आपके हैं, शिक्षक और छात्र। अब हम सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो है आपकी वो दी है जॉन डीवी जी ने। सेकेंड कहा है कि शिक्षा जो है वो एक त्रिमुखीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी जी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब जो एडम्स ने कहा, उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, तो उसके जो दो मुख हो गए वो हो गए शिक्षक और छात्र। अब लेकिन जॉन डीवी जी ने बताया है कि शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया है,
प्रोसेस है एजुकेशन की जिसमें तीन मुख है। अब वो तीन मुख क्या है तो देखिए, पहला मुख है शिक्षक, सेकंड है छात्र और थर्ड है हमारा पाठ्यक्रम। यानी एजुकेशन के डेफिनेशन में जॉन डेवी जी का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो जो एजुकेशन की प्रोसेस है वो प्रोसेस में तीन लोग अपना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल अदा करते हैं। तो उसमें पहला रोल हो गया शिक्षक का, दूसरा हो गया छात्र का, तीसरा हो गया पाठ्यक्रम का। जॉन डेवी जी का कहना है कि शिक्षक होगा तो छात्र पढ़ेगा, लेकिन छात्र पढ़ेगा क्या? पाठ्यक्रम, जो उसका सिलेबस होगा, जो उसका करिकुलम होगा वो पढ़ाई करेगा। तो अगर शिक्षक के पास कोई पाठ्यक्रम होगा तभी तो वो छात्र को पढ़ा पाएगा। इसने जॉन डेवी जी ने शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है अपनी ये डेफिनेशन एजुकेशन के लिए दी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लेटो की, कि प्लेटो ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा। प्लेटो के अनुसार शिक्षा जो है वो शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यानी प्लेटो जी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा के द्वारा ही हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए एक जो डेफिनेशन दी है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। गांधी जी ने कहा है शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी जी और प्लेटो दोनों की डेफिनेशन का कहने का मतलब सेम ही है। प्लेटो जी ने कहा है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, और महात्मा जी ने कहा है कि बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास से। मतलब दोनों की डेफिनेशन से हम देखें तो उससे सार यही निकलता है कि शिक्षा के द्वारा एक बालक या एक मनुष्य का विकास तभी संभव है जब वो पूर्ण रूप से, यानी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों रूप से स्वस्थ होगा, तभी उसकी शिक्षा का आंतरिक विकास हो पाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को यूजीसी नेट में शिक्षण अभिक्षमता की यूनिट स्टार्ट करने से पहले बताया आप लोगों को, आज एजुकेशन के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। एजुकेशन की जो डेफिनेशन है ये सबसे बेस्ट है। अगर आप ये एजुकेशन की डेफिनेशन को समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम में आता है इनसे कुछ रिलेटेड तो आप इनको लिख भी सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं अपना यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे जाके बेल आइकन के बेल को